यह अध्याय है उत्तर प्रदेश की राजनीति से नरेंद्र मोदी के नाते पर विमर्श का। यह अध्याय है केंद्र की राजनीति में अयोध्या और काशी के उत्कर्ष का। गुजरात से आए एक नेता ने उत्तर प्रदेश से अपना सार्वजनिक और राजनीतिक नाता ऐसा जोड़ा कि यूपी वालों के मन में बस गया। इस नाते को ऐसे समझिए कि 2017 के चुनाव में जनता ने सीएम चुनने के लिए नहीं बल्कि पीएम के चेहरे पर वोट दिया था। 2022 के चुनाव में भले योगी चेहरा हो, लेकिन योगी के चेहरे को नई चमक देने वाला चेहरा आज भी नरेंद्र मोदी ही है। एक तानाशाह शहंशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक पर जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल पैदल चलाया, जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। गुजरात पहुँचाई, हम शीश झुकाएंगे। यूपी में बीजेपी की चाल भी मोदी। भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ चलता हूँ। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपकी अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रही है। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुशीनगर में बन गया कि नहीं बन गया एयरपोर्ट, बुद्ध का सर्किट शुरू हो गया कि नहीं हो गया, उसी तरीके से अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चरित्र भी मोदी, चेहरा भी मोदी। दिल्ली से देश चलाने वालों में यूपी वाले बहुत हैं। यूपी भी देश को सबसे अधिक पीएम देने वाला राज्य है, लेकिन ऐसा नाता समूचे यूपी से कोई नहीं जोड़ पाया जैसा गुजरात से आए मोदी ने जोड़ लिया। गुजरात में आके कर्म भूमि बनाई, मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। 2022 का चुनाव भले ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दिया था। क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठकर के भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या भारत माता के? ये गजब का रिश्ता है एक राजनेता और एक प्रदेश का कि 3-3 चुनाव निकल गए, रिश्ता पक्का और गाढ़ा होता है। सांसद ने काम किया है यहाँ पे आपके? हाँ जी, प्रसाद बेचते हैं। आप प्रसाद यहाँ बेचती हैं? आपको मालूम है यहाँ आप वोट तो देती होंगी, किसको वोट दिया था मालूम? मोदी। मोदी को वोट दिया था। वोट देते टाइम क्या सोच कर देंगे? वोट देंगे। हम किसे कहेंगे? आप लोग किसको देना चाहते हैं जो आपके लिए क्या काम? मोदी को देना चाहते हैं, हम तो मोदी को देना। पहले बात यूपी की होती थी तो क्षत्रपों के चेहरे आते, जिनकी राजनीति सहारनपुर से शुरू होती और बलिया बॉर्डर पर ठहरती। लेकिन 2014 से यूपी की राजनीति का चाल, चेहरा, चरित्र, तेवर, कलेवर सब बदल गया। 2022 में एक बार फिर यही चेहरा और इस चेहरे का चरित्र यूपी की राजनीति की दशा दिशा तय कर रहा है। एजेंडा भी वही सेट करते हैं, मुद्दे भी और मूड। जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से
आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया। 14 जमा 8 = 22 8 बरस बीते जब नरेंद्र मोदी याचक बनकर यूपी वालों से वोट मांगने आए। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं, और मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। 8 साल के इस राजनीतिक काल में मोदी ने यूपी से गहरा नाता जोड़ा और यूपी ने भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा। 2014 में मोदी ने गंगा मैया को माथा नवाया तो भैया वाराणसी में घाट घाट पर राजनीति पसर गई। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। तब से कईयों ने गंगा जी में डुबकी लगाकर सियासी लहरें उठाने की कोशिश की पर भंवर में ही फंसकर रह गए।